उपस्थित सभी सज्जनों और सन्नारियों को राष्ट्रगीत के लिए अपनी जगह पर खड़े होने की कृपा करें। धन्यवाद। मंच से विराजमान सभी महानुभावों से नम्र निवेदन है कि वे दीप प्रागट्य के लिए आगे पधारें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशिष्ट अवसर पर पधारे सभी महानुभाव का हम स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। सर्वप्रथम गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल से नम्र निवेदन है कि आप महामहिम राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी का स्वागत करें। अब मैं माननीय मंत्री श्री खेलकूद युवा एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियां विभाग गुजरात राज्य के श्री हर्ष भाई संघवी से नम्र निवेदन करूंगी कि वे स्वागत उद्बोधन करें। ब
बोलो श्री कृष्ण भगवान की। पोरबंदर वासियों नो आवाज अहिया सुधी पहुंचतो नथी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। पोरबंदर की इस पावन धरती पे भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी का माधवपुर गेट में हार्दिक स्वागत करते हुए मैं वंदन करता हूं। हमारे बीच मौजूद द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। गुजरात के राज्यपाल परम आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, लेडी गवर्नर श्री, मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमान जी, सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, गुजरात राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री और यहाँ के आज के होस्ट हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, मेरे साथी मंत्री आदरणीय श्री अरविंद भाई रयानी जी, आप सभी महानुभवों का माधवपुर गेड़ की पवित्र धरती पर मैं स्वागत करता हूँ। भारत की विविधता और विविधता में एकता की पहचान का साकार करती पोरबंदर की धरती पर मैं अपने हृदय से और हृदय की गहराइयों से सभी पोरबंदर वासियों का स्वागत करता हूँ। यह धरती आज भारत के पश्चिम और उत्तर पूर्वी भागों से पधारे महामहिमों से एक ऐतिहासिक संस्कृति का महासंगम बन गई है। श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के मिलन की इस पावन आध्यात्मिक माधवपुर गेड़ की धरती पर आयोजित इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। माधवपुर गेड़ गुजरात और उत्तर पूर्वी राज्यों के संस्कृति समन्वय का एक प्रतीक है, क्योंकि द्वारकाधीश कृष्ण और अरुणाचल प्रदेश की रुक्मणी जी का पावन मिलन यही धरती पे हुआ था। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, आज आपकी उपस्थिति माधवपुर गेड़ के महत्व को चार चांद लगा रही है, जो महान भारत के पश्चिम और उत्तरी पूर्वी भाग का एकता के सूत्र में बांधे हुए है। गुजरात विविध संस्कृतियों के बीच समन्वय और सभी का सम्मान करने वाला राज्य है। यही कारण है कि हमारे गुजरात में मिनी भारत बसता है और विश्व में कई देशों में एक मिनी गुजरात बसता है। वसुदेव कुटुंबक सर्वे संतु निरामया, यही मूल मंत्र के साथ आपसी भाईचारों से रहना, सबको प्रेम करना, सभी को गले लगाना, बिना भेदभाव मिलजुल कर रहना, ये गुजरात की संस्कृति और संस्कार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता का पाठ पढ़ाया, गांधी जी ने अहिंसा और प्रेम का पाठ पढ़ाया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का पाठ पढ़ाया है। यहाँ जिस जोश, उत्साह, उमंग और श्रद्धा के साथ जन्माष्टमी से लेकर होली, दिवाली से लेकर डांग दरबार और जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव मनाए जाते हैं, यही उत्साह से गुजरात के एक एक नागरिक जोश उत्साह से पोंगल, बिहू, छठ पूजा, लोहड़ी जैसे कई त्यौहार मनाते आए हुए हैं। माधवपुर गेड़ के मेले को गुजरात सरकार द्वारा जो भव्यता प्रदान की गई है, इसे व्यापक स्तर पर आयोजित करने में भारत सरकार का जो मार्गदर्शन मिल रहा है, वह देश के कई कोनों से लोगों को संगठित करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। माधवपुर गेड़ मेले की श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के मिलन के रूप में भारत के पश्चिम
और उत्तर पूर्वी भाग के दर्शन का समन्वय है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को सफलता की बुलंदी पर ले जा रहा है। मैं पुनः आप सभी का इस 5 दिवसीय भव्य उत्सव में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहां भारत के 2 क्षेत्रों की अद्भुत संस्कृतियों की सुंदरता को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से निहारिए और एकता के भाव में सरोवर हो जाइए। सभी को रामनवमी की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। जय जय गरवी गुजरात, जय हिंद। माननीय मंत्री श्री, आपके ऊष्मापूर्ण स्वागत शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा जी से नम्र विनंती करूंगी कि वे इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। His Excellency Shri Ramnath Kovind ji, the Honorable President of India, Shri Acharya Devrat ji, the Honorable Governor of Gujarat, the Honorable First Lady of the country, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Prem Singh Tamang ji, Honorable Chief Minister of Sikkim, Kumari Pratima Bhomik ji, Honorable Minister of State, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, Shri Haresh Bhai Sanghavi ji, the Honorable Minister for State for Sports and Youth Affairs, Culture, etc., Government of Gujarat, Shri Arvind Bhai Riani ji, the Honorable Minister of State for Tourism, Pilgrimage Development, Civil Aviation, Transports, etc., all the dignitaries who are present here on the dais, and all my dear friends who have come here to be part of this historic Madhavpur Mela or fair that we are having this year. Dosto, sabse pehle main Gujarat ke hamare mukhyamantri aur Gujarat sarkar aur Bharat sarkar ke hamare डोनर मिनिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री के सभी डिपार्टमेंट के लोगों को और सबसे ज्यादा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज उनके नेतृत्व में, आज उनकी सोच की वजह से ये इतनी बड़ी एक प्रोग्राम और जो मेला जो पहली बार इस लेवल पर या इस स्टेज पर हो रहा है, इसके लिए जिन जिन डिपार्टमेंट्स ने और गुजरात सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनके लिए मैं सबसे पहले सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। मैं हमारे होस्ट मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और आज पूर्व और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट को आज इस अवसर को या चांस को लेकर, इस मौके को देखकर उन्होंने ये जो बॉन्ड है इसको आगे हम कैसे बढ़ाए, इस सोच में आज ये प्रोग्राम इन्होंने 5 दिन का ये कार्यक्रम रखा है। मैं सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री
भूपेंद्र भाई पटेल जी का मैं पूरे तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। पिछले चार दिनों में मैं देश के अलग अलग कोने में मैं गया। चार दिन पहले मैं नॉर्थ ईस्ट में था, अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र का दौरा किया कुछ दिनों। परसों मैं साउथ इंडिया पहुंचा, हैदराबाद, जहां मेरा एक प्रोग्राम था। कल मैं दिल्ली पहुंचा क्योंकि मेरे कुछ काम थे दिल्ली में, और आज यहां मैं माधवपुर गुजरात में हूं। यानी कि पिछले चार दिन में ईस्ट, साउथ, नॉर्थ और वेस्ट, चारों दिशाओं में मैं भारत के अलग अलग भाग में मुझे जाने का अवसर मिला। और इन चार दिनों में जो भारत का जो अलग अलग कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, हमारे साउथ इंडिया का कल्चर, नॉर्थ इंडिया का और वेस्टर्न इंडिया का, हमारा देश इतना डाइवर्स है, हमारे इतने कल्चर्स हैं, फिर भी हम आज एक भारतीय जैसे भारतीय होकर आज हम लोग भारत मां के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही इन चार दिनों में जब मैं इन चार दिशाओं में गया मुझे ये देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यही थी कि मैं जहां भी गया देश आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, देश आगे बढ़ रहा है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट अगर आप जाएंगे तो पिछले सालों में, पांच सात सालों में जिस तरीके का डेवलपमेंट वहां हुआ है, भारत सरकार की तरफ से, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरीके का फोकस हुआ है, एक ऐसा समय होता था जब नॉर्थ ईस्ट को लोग देखकर सोचते थे कि ये देश का एक बैकवर्ड इलाका है या बैकवर्ड स्टेट्स है। लेकिन आज मुझे गर्व है दोस्तों कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में और बाकी हमारे सभी स्टेटों के काम करने की वजह से, सही दिशा में काम करने की वजह से, आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी बाकी देश के भागों के साथ साथ कंधा मिलाकर आगे चल रहा है। यही एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और दोस्तों, अगर आप किसी भी देश के भाग में जाएंगे, अगर आप हैदराबाद भी गए, दिल्ली तो दिल्ली है, आज मैं राजकोट में था सुबह, जिस तरीके से हमारा जो देश, हर सिटी, हर रीजन आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में जिस तरह हर तरीके से हमारे हर एरिया के, हर स्टेट एक साथ मिलके जो काम कर रहा है, मुझे विश्वास है कि हमारा जो देश, जो प्रधानमंत्री जी का एक सोच है या उनकी एक टारगेट है कि हमारा इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, मुझे विश्वास है कि हम इसे पूरा, बहुत जल्द हम लोग इसे पूरा करेंगे। दोस्तों, मुझे याद है 2007 में मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से मिला था। उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मैं एक आम आदमी था। जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे गुजरात के डेवलपमेंट के बारे में उन्हें मुझे बताया, और आज तक जो उन्होंने मुझे उस समय बताया था, सिखाया था, आज तक मुझे याद है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो मुझे याद है उस दिन की, वो यही है कि उस समय भी 2007 में भी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा कि सांगमा जी, हमें वेस्ट और ईस्ट को मिलाना है, मैं चाहूंगा कि हमारे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे वेस्टर्न एरिया में, गुजरात में आए, मैं चाहूंगा कि हमारे गुजरात के लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखे। जब तक हमारे बीच में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं होगा, रिस्पेक्ट नहीं होगा और हम सब एक साथ काम नहीं करेंगे, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये प्रधानमंत्री जी का
मैसेज उस दिन जब वो मुख्यमंत्री 2007 में थे तो उन्होंने दिया मुझे। मुझे विश्वास है कि आज जो हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है ये आज उनके मार्गदर्शन से हुआ है। एक बार फिर मैं सभी डिपार्टमेंट्स और सबसे ज्यादा हमारे होस्ट मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं और मैं उन्हें निवेदन देना चाहता हूं कि वो नॉर्थ ईस्ट आए, हमारे स्टेट मेघालय में आए और मैं चाहूंगा कि जिस तरह के प्रोग्राम हमने आज यहां किए हैं इसी तरह हम नॉर्थ ईस्ट में भी एक वेस्ट मीट्स ईस्ट का एक प्रोग्राम हम नॉर्थ ईस्ट में भी करें। ये मेरा आपसे आग्रह होगा और निवेदन होगा और इस कार्यक्रम को और इस प्रोग्राम को हम लोग आगे आने वाले सालों में भी और बड़े तरीके से हम लोग मनाएं। मुझे खुशी है कि आज मेरे स्टेट से भी कल्चरल ट्रूप्स आए हैं, सारे नॉर्थ ईस्ट से कल्चरल ट्रूप्स आए हैं और ये कल्चरल एक्सचेंज जब होगा तो एक दूसरे में हमारे जो रिस्पेक्ट, जो हमें कल्चरल रिस्पेक्ट जो हमें एक दूसरे को हम लोग को देना चाहिए, वो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे प्रोग्राम से रिस्पेक्ट बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा और इसी में नेशनल इंटीग्रेशन भी बढ़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वंस अगेन वुड लाइक टू थैंक ऑल द ऑर्गेनाइजर्स हु हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस वंडरफुल प्रोग्राम एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट वी शुड कंटिन्यू दिस इन द कमिंग ईयर्स एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम्स वेयर वी शुड हैव द सिमिलर प्रोग्राम्स बीइंग डन इन नॉर्थ ईस्ट नेक्स्ट टाइम। So I invite the Honorable Chief Minister, the Honorable Governor, and definitely our Honorable President, who is a person who has traveled all the states and a very, very keen person to develop the Northeast and focuses a lot on the Northeast. Sir, I would urge you also and request you also, sir, to come to Meghalaya, to come to Northeast, so that this message of integration can be spread throughout the Northeast and throughout the country. So with these few words, once again, I wish this program the very best. Thank you very much and Jai Hind. Thank you very much, sir, for your warm and kind words. We appreciate them. अब मैं सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी से नम्र निवेदन करूंगी कि वे इस अवसर पर अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर महापुरुषों की धरती गुजरात के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल माधवपुर घेड़ में संपन्न इस भव्य पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के आसन पर विराजमान हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला माननीय मैडम सविता कोविंद जी, उपस्थित गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देव व्रत जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री होस्ट मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कोनार्ड सांगमा जी, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक जी, गुजरात सरकार के माननीय मंत्रीगण एवं संसदगण, गुजरात सरकार के आदरणीय मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार जी, पोरबंदर जिला के जिलापाल एवं प्राधिकरण के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग, उपस्थित सभी अतिथिगण एवं प्रतिनिधिगण, गुजरात के आदरणीय जन समुदाय, प्रेस एवं मीडिया के मित्रगण, आप सभी को सादर नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। इस महत्वपूर्ण माधवपुर गेट पर्व के साक्षी बनने के लिए हम हिमाली राज्य सिक्किम से आए हैं। लग रहा है कि हम खुशियों की सागर के पास आ गए हैं। आज भगवान श्री राम जी का जन्मदिन
रामनवमी है। यहाँ एकत्रित सभी आदरणीय जनों में रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। महापुरुषों की धरती द लैंड ऑफ लेजेंड से लेकर ज्वेल ऑफ द वेस्ट नाम से प्रख्यात गुजरात की इस धरातल में आते ही खुशियों से जी भर जाता है। गुजरात के नाम सुनते हमारे हृदय बहुत गर्व महसूस करता है। भगवान श्री कृष्ण जी एवं शांत सुदामा जी, सागरमती के शांत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन धरती है गुजरात। इस धरती के प्रतिभाशाली महापुरुषों में महात्मा गांधी जी, दादा भाई नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, मोरारजी देसाई जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी जैसे महान देशभक्तों ने इस महापुरुषों की धरती गुजरात में ही जन्म लिए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज विश्व स्तर पर सम्मानित एक वरिष्ठ नेता है और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एक अत्यधिक प्रभावी और कुशल राजनीतिक है। गुजरात की इस पावन धरती को नमन करते हुए मैं अपनी वक्तव्य को आगे बढ़ रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत के विविधता में एकता की भावना का उत्सव मनाने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की थी। उनके महान कल्पना का साकार प्रदर्शन का एक हिस्सा आज इसी गांव में अवलोकन कर हमारे दिल खुशियों से भरा है। हम भाव विभोर होकर ये अनुष्ठान का आनंद ले रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत और आज़ादी का अमृत महोत्सव के ये ऐतिहासिक क्षण पूरे देश में गूंज रहे हैं। हमारे पहाड़ी राज्य सिक्किम में भी बहुत धूमधाम के साथ ये महोत्सव मना रहे हैं। स्वातंत्र के 75 वर्ष पूरी होने पर मनाई जा रही आज़ादी का अमृत महोत्सव में उत्तर पूर्वी राज्यों को प्राथमिकता देकर निमंत्रण देने हेतु आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। महात्मा गांधी जी के शब्दों में एक पद प्रस्तुत करना चाहता हूँ, एक राष्ट्र की संस्कृति उसके रहने वाले लोगों की आत्मा में और दिलों में रहित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की इस भूमि में आकर मैं असीम आनंद का महसूस कर रहा हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर नमक सत्याग्रह आंदोलन की उन पुरावृत्तक को फिर से जीवंत बनाने के लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अवधारणा के अनुरूप 2021 में दंडी की यात्रा का आयोजन किया था। उस आयोजन में हमको भी शामिल होने का अवसर मिला था। गुजरात के पारंपरिक काल की उल्लेखनीय गतिविधियों से लेकर आज तक की रोचक तथ्यों से हमको बहुत प्रेरणा मिली है, जिसमें शामिल है यहाँ के विभिन्न पर्यटन स्थल, सबसे अधिक बंदरगाहें, सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास, 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ मंदिर, विश्व में सबसे ऊंची लोहा पुरुष पटेल जी की समर्पित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, भगवान श्री कृष्ण जी की भूमि द्वारिका और उनके प्यारे दोस्त सुदामा की जन्मभूमि पोरबंदर, यहाँ के गरवा व डांडिया नित्या, यहाँ के प्रसिद्ध गिर गाय और उनकी पौष्टिक दूध, यहाँ का प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ अवस्थित पूर्णिमा के चांदनी में जगमगाने वाली कांस का रेगिस्तान, यहाँ के अनेकों मंदिर आदि हमारे लिए नमूने बनकर रहे हैं। इसके अलावा ये राज्य दूध उत्पादन में एक नंबर में आने वाले राज्य है, जिससे हमको बहुत प्रेरणा मिली है। हम भी अपने राज्यों में दूध उत्पादन को बढ़ावा देकर गौपालक को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं ताकि उनमें इस क्षेत्र में प्रति आकर्षण बढ़ जाए। हमने डायरी फार्मिंग में गुजरात के विश्व प्रसिद्ध अमूल मॉडल को अपनाया है। गुजरात राज्य हमारे सिक्किम राज्य से कई महत्वपूर्ण तरीकों से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी संख्या में गुजराती पर्यटक सिक्किम में हर मौसम में आ रहे हैं और सिक्किम के प्राकृतिक सुंदरता और सिक्किम के लोगों के प्रेम भरे आतिथ्य का आनंद लेते हैं। अब हम गुजरात के साहसी युवकों को सिक्किम के ऊंचे इलाके की यात्रा करने, अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं।
सिक्किम में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस उत्कृष्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, जातीय, जैविक विविधता, नदियों, जलवायु परिवर्तन अपादियों और राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययनों के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस पर हम दोनों राज्य बीच विचारों का आदान प्रदान करेंगे। साबरमती आश्रम के लाइट एंड साउंड शो का ही मॉडल अपनी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में हम सिक्किम में भी स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए आपके सुझावों और तकनीकी सहायता को हार्दिक आमंत्रित करना चाहता हूँ। सत्य, अहिंसा और धर्म के रक्षक द्वारका नरेश के रूप में इसी भूमि में रहकर सृष्टि को पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी को मैं पूर्ण भक्तिभाव से नमन करता हूँ। उनके परम मित्र सुदामा जी के जन्मस्थान पर्वतर में आकर आज हम कृतज्ञ हो गए हैं। मैं नमन करता हूँ पर्वतन के ही उपस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को और अन्य अन्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित सभी महान पुरुषों को मैं हार्दिक नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ देश के प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के प्रतिभाशाली गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मैं हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। सभी केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय राज्य मंत्रीगण, गुजरात के माननीय मंत्रीगण, उच्च पदस्थ अधिकारीगण, स्थानीय प्राधिकरण के सभी अधिकारी वर्ग, कार्यक्रम आयोजक समिति के सभी सदस्यगण, विभिन्न राज्यों से आए हुए सहभागीगण और आदि आदरणीय गुजरात के जन समुदाय को मैं अंतर हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इस ऐतिहासिक सभा में मुझे और सिक्किम के प्रतिनिधि मंडल को इतनी उदारता से आमंत्रित करने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंत में मुख्य अतिथि के आसन में विराजमान माननीय राष्ट्रपति महोदय और परम आदरणीय मैडम जी को पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं मेरी वक्तव्य के यहीं पूर्ण विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय गुजरात, जय सिक्किम। सर, आपके भावपूर्ण शब्दों के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। माधवपुर श्री कृष्ण के रुक्मिणी के संग विवाह के लिए जग प्रसिद्ध है। श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी के विवाह आज भी उत्सव के रूप में यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 1,00,000 से भी ज्यादा लोग संपूर्ण उत्साह से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। आइए माधवपुर घेड़ मेले की विशेषता को अधिक जानते हैं हम एक ऑडियो विजुअल के माध्यम द्वारा। दूर क्षितिज तक फैला अथाह रत्नाकर समुद्र और उसके तट पर बसा गुजरात के पोरबंदर जिले का छोटा सा गांव माधवपुर घेड़। तन को विश्राम और मन को विराम देती है यह भूमि। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कुछ अनूठा और गहरा जुड़ाव जो है इस माधवपुर के साथ। जी हाँ, पौराणिक कथा के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के मिश्मी समुदाय के राजा भीष्म की सुपुत्री रुक्मिणी ने मन ही मन यह निश्चय किया था कि विवाह करूंगी तो केवल और केवल द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ। लेकिन रुक्मिणी के भाई की यह जिद थी कि उसकी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिख अपनी दुविधा बताई। तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को माधोपुर ले आकर उनके साथ विवाह रचाया। इस तरह द्वारका के स्वामी माधवपुर में रुक्मिणी जी के स्वामी बने। सत्य के प्रति सत्व के समर्पण की यह अनन्य गाथा लोग सदियों से गुनगुना रहे हैं और इसकी याद में सदियों से माधवपुर में मनाया जाता है एक अनोखा लोक मेला, जिसमें यहां स्थित प्राचीन माधवराय जी मंदिर के सानिध्य में चैत्र शुक्ल नवमी से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तक प्रतिवर्ष श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह प्रसंग को ठीक उसी रूप में मनाया जाता है। भजन कीर्तन और उल्लास के साथ प्रभु की बारात में शामिल होते हैं लाखों भक्त।
और भारत का सूर्योदय जहां होता है वह अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम किनारे पे जहां सूर्य की किरणें सागर को छूती है वह गुजरात माधवपुर के मेले में एक सूत्र में जुड़ जाते हैं। कितना अद्भुत है ना? यही तो है भारत की संस्कृति। विभिन्न राज्य, विभिन्न बोलियां और पोशाकें, फिर भी कुछ ऐसे सनातन मूल्य हैं जो पूरे भारत को एकता की डोर में पिरोते हैं। भारत की विविधता में एकता की इसी ताकत को उजागर करने के स्वप्न के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। इस अभियान के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव के भाग रूप भारत सरकार और गुजरात सरकार ने आयोजित किया है माधवपुर का मेला और भव्य सांस्कृतिक महोत्सव, जिसके अंतर्गत 10 अप्रैल से 13 अप्रैल लगातार 4 दिनों तक माधवपुर में आध्यात्मिक वातावरण में पूर्वोत्तर राज्यों के अनेक रंग बिरंगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। इन 4 दिनों में अरुणाचल प्रदेश का इदु मिश्मी नृत्य, रुक्मणी हरण पर आधारित असम का सत्रिया नृत्य, मणिपुर रास नृत्य, मेघालय का वांगला और काशाद मस्तिया नृत्य, मिजोरम का चेरव तथा सोलकिया नृत्य, नागालैंड का आओ नागा नृत्य तथा चखे संग नागा नृत्य, सिक्किम के भोटिया समुदाय के सिंधनी चाम, सिक्किम के नेपाली समुदाय के कलाकारों द्वारा घाटू नृत्य, त्रिपुरा के मोक समुदाय द्वारा वा नृत्य एवं रियांग समुदाय का होजगिरी नृत्य, असम और मणिपुर के पारंपरिक नृत्य के साथ ही पुंग चोलोम, ढोल चोलोम और थंगता नृत्य इत्यादि वातावरण को आनंद की ऊर्जा से भर देंगे, जैसे कि रसराज श्री कृष्ण के सामने कला संस्कृति का 56 भोग लगा हो। वहीं श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की विभिन्न पौराणिक कथाओं पर आधारित विजुअल आर्ट प्रदर्शनी आगंतुकों के हृदय में शुद्ध स्नेह का बीजारोपण करेगी। भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री और महानुभावों की उपस्थिति इस महोत्सव को देगी एक अनोखी आभा। माधवपुर की चौखट पर आयोजित इस मेले में ज्ञान, भक्ति और कर्म के समन्वय की संकल्पना साकार होगी। मेले में माधवराय के जय घोष के साथ गुजरात तथा पूर्वोत्तर के राज्यों की सांस्कृतिक विरासत का होगा सम्मिलन। भारत के पूर्वी और पश्चिम छोर एक दूसरे को प्रेम के रंग से रंगेंगे। और माधव को प्रिय यह ऐतिहासिक गांव माधवपुर प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का पथ प्रदर्शक बनेगा। माधुपुरा घेड खाते आध्यात्मिक पार्श्व धरावता माधवपुरा घेड़ मेळाना लोकार्पण प्रसंगे मारी साथे मंच पर उपस्थित देशना प्रथम नागरिक आदरणीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देशना प्रथम महिला श्रीमती सविता जी कोविंद, राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी, श्रीमती दर्शना देवी लेडी गवर्नर, मेघालयना जनप्रिय मुख्य प्रधान श्री कोनार्क सांगमा जी, सिक्किमना यशस्वी मुख्य प्रधान श्री प्रेम सिंह त्वांग, सामाजिक न्याय अने सशक्तिकरण मंत्री श्री प्रतिमा भौमिक जी, गृह रमतगमत तथा सांस्कृतिक विभागना राज्य मंत्री श्री हर्षभाई संघवी, प्रवासन राज्य मंत्री श्री अरविंद भाई रयाणी, उपस्थित सौ अधिकारीगण, सौ नागरिक भाइयों बहनों, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौ ने नमस्कार। रामनवमीना पावन अवसरे माधवपुरना पवित्र मेळामां आप सौनी गरिमामय उपस्थितिए समग्र गुजरातीओ माटे गौरवनी क्षण आपी छे। आ मेळो वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीना एक भारत श्रेष्ठ भारतना कॉलने साकार करनारो मेळो छे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामना प्रागट्य दिवसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण रुक्मणीजी साथेना परिणय गाथाने गातो आ माधवपुरनो मेळो
अपनी सनातन संस्कृति में श्री राम और श्री कृष्ण प्रत्ये की आस्था श्रद्धा और प्रेम भावन प्रतीक है। माधवपुर एटले सौराष्ट्र सागरकांठे वसेलू गेडना नाकसम गामनू हजारों वर्षों थी भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणीना लग्न की बातों पोताना हैया में धरीने बैठेलू है। एवी पवित्र भूमि पर रामनवमी थी चैत्री तेरस सुधी चालतो माधवपुर मेड़ो ए आगू महत्व धरावे छे। पौराणिक कथाओं अनुसार माधवपुरा गाम माधवराय मंदिर में थयेला भगवान श्री कृष्ण अने विदर्भ कुमारी रुक्मणीजीना लग्ननु साक्षी बन्यु हतु। ए लग्ननी याद में आजे पण माधवपुरा गामना लोको माधवराय मंदिर थी ब्रह्मकुंड सुधी लग्ननी अन्य विधिओ सहित शोभायात्रा काढ़ी ने आ प्रसंगनी उजवणी करे छे। आ मेळो गुजरात अने उत्तर पूर्वना राज्यों वच्चेना सांस्कृतिक अने ऐतिहासिक बंधनों प्रतीक छे। आजे भगवान श्री कृष्णना रुक्मणजी साथेना विवाह ने उजवता माधवपुर गेडना मेळाना माध्यम थी उत्तर पूर्वना प्रदेशों अने पश्चिम प्रदेश की भारतीय संस्कृति ने एक मेक साथे जोड़ीने एक भारत श्रेष्ठ भारतना निर्माणनी वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई नेम ने पार पाड़ी रहा छे। उत्तर पूर्वना प्रदेशनु अरुणाचल अने पश्चिम भारतनु आपणु गुजरात आ बे लोक संस्कृतिनु आजे संयोजन छे। आदरणीय वडाप्रधान श्रीए मन की बात कार्यक्रममां माधवपुरने भारतना पूर्व अने पश्चिमनी संस्कृतिनु संकलन गणाव्युं हतुं। द्वारिकाना माधव अने अरुणाचलना रुक्मणीजीना प्रेमनी विरासतने एकबंध राखतो माधवपुर गेडनो मेळो ए बे महान संस्कृतिओनु संगम बिंदु बन्यो छे। अरुणाचल अने गुजरात भारतनी सांस्कृतिक धरोहरना आ बे ध्रुव छे। आ बन्ने ध्रुवने जोड़ती चिरंतर यात्रानो उत्सव आजे माधवपुर गेडना आंगणे उजवाई रह्यो छे। आपणी भाषा बोली जीवनशैली अलग अलग होवा छतां आपणे भारतीयो सनातन काळथी ज सांस्कृतिक रीते एकमेकथी जोड़ायेला छे। आपणी जीभे भले अलग अलग भाषाओं बोलाती होय पण आपणा हृदयनो धबकार एक ज छे। ए धबकार छे एकैयानो कृष्ण प्रेमनो अनासक्त भक्तिनो अने सांस्कृतिक ऐतिहासिक धार्मिक तादात्म्यनो। गुजरातनी संस्कृति आजे पण भातीगढ़ मेळाओ द्वारा जीवन छे। मेळाओ अने उत्सवो जीवनमां नवी चेतना अने आनंदनो संचार करे छे। गुजरातना मेळाओ अने उत्सवनी लोकप्रियता आजे देश विदेशमां पहोंची छे जेना कारणे आजे देश विदेशथी लाखोनी संख्यामां प्रवासीओ गुजरातनी मुलाकात लई रह्या छे। मित्रो गुजरात विविधतानी भूमि छे। अहीं रण छे अने रळિયામણો મુલક પણ છે। ગ્રામીણ ગોપ સાંસ્કૃતિક તો છે જ પણ સ્માર્ટ સિટી ગિફ્ટ સિટીની આધુનિકતા પણ છે। ગુજરાત ઇઝ ધ લેન્ડ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી। સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ પણ આ ભૂમિ ખૂબ મહત્ત્વતા ધરાવે છે। માધુપુર ગેડનો મેળો સૌરાષ્ટ્રના ભાતીગળ મેળાઓમાં શિરમોર છે તો છે જ આ મેળો બે હૈયાને પણ જોડે છે। ભગવાનના લગ્નની પરંપરાને જીવંત રાખનારું લોક પર્વ છે। આજે શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં એક જ લોક પરંપરાના માધ્યમથી બે મહાન સંસ્કૃતિઓનો સંગમ ઉજાગર કરવામાં આવી રહ્યો છે। આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ વર્ષે આ મેળાની ભાતીગળ ઉજવણી જનજનમાં એકતા અનેકતામાં એકતા સાથે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના ભાવને વધુ મજબૂત બનાવશે। આઝાદીના અમૃત મહોત્સવથી દેશના હરેક પ્રાંત દરેક પ્રદેશ વચ્ચે સામાજિક સાંસ્કૃતિક આર્થિક એકતા અને પરસ્પરના સહયોગથી ઉન્નત વિકાસને સાકાર કરવા આપણે આ મેળાને રાષ્ટ્રીય ફલક ઉપર વ્યાપક સ્તરે દર વર્ષે ઉજવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે। કૃષ્ણનગરી દ્વારિકાની ભૂમિ ગુજરાત અને અનુપમ ભૂમિ અરુણાચલ પ્રદેશની સંસ્કૃતિઓનું આજે પુનઃમિલન થયું છે। ગુજરાત એક એવો પ્રદેશ છે જ્યાં કળા કૌશલ્ય સાંસ્કૃતિક પ્રાચીન ઇતિહાસ અને પ્રસિદ્ધ પ્રાચીન પવિત્ર સ્થળોનો વારસો ધરાવે છે। આ વારસાને આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શનથી વિશ્વ સમક્ષ આવા મેળાઓ અને ઉત્સવો દ્વારા પ્રસ્તુત કરવામાં
राज्य सरकार ने सफलता प्राप्त थई छे। आप सर्व ने हूँ फरी एक बार आ पवित्र उत्सव में उष्मा भर्यु स्वागत करी विरमू छू। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। माननीय मुख्यमंत्री श्री, आपना लागणी सभर उद्बोधन माटे आपनो खूब खूब आभार मानिए छे। अब मैं अत्यंत नम्रतापूर्वक हमारे गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी से विनंती करूंगी कि वे समस्त सभागण को संबोधित करें। आज के हमारे मुख्य अतिथि और भारत के माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, आदरणीय फर्स्ट लेडी श्रीमती सविता कोविंद जी, आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी मुख्यमंत्री गुजरात, आदरणीय श्री प्रेम सिंह तमांग जी मुख्यमंत्री सिक्किम, आदरणीय श्री कोनराड संगमा जी मुख्यमंत्री मेघालय, आदरणीय सुश्री प्रतिमा भौमिक जी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री भारत, मूलतः आप रहने वाली त्रिपुरा से हैं, आदरणीय श्री हर्ष संघवी जी राज्य मंत्री गृह खेल युवा एवं सांस्कृतिक, आदरणीय श्री अरविंद भाई रयानी जी राज्य मंत्री परिवहन एवं पर्यटन गुजरात, उपस्थित महानुभाव, उत्तर पूर्व राज्यों से पधारे विशिष्ट अतिथिगण, कलाकार बंधु, पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, आज माधवपुर की ये भूमि परम सौभाग्यशाली बन गई है। वैसे तो माधव नाम कृष्ण जी का ही है, प्यार से बाल्यावस्था में उनको माधव बोलते थे और माधव ने इस गांव में विवाह का जो पवित्र संबंध भारतीय संस्कृति में माना जाता है, आप और हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब किन्हीं परिवारों के साथ आपसी संबंध गहरे बनाने होते हैं तो भारत में वहाँ विवाह का संबंध बनाया जाता है। उस काल में भगवान कृष्ण ने, उनके जीवन को आप थोड़ा सा स्मरण करें, जन्म उनका मथुरा में हुआ, धर्म युद्ध उन्होंने उत्तर कुरुक्षेत्र में किया, कार्य क्षेत्र राजधानी अपनी द्वारिका को बनाई, विवाह उन्होंने दक्षिण पूर्वोत्तर में किया, तो पूरे देश को उन्होंने एकता के सूत्र में जोड़ने का काम उसी समय किया था। भाइयों और बहनों, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हम सब साधुवाद देते हैं कि जिन्होंने भारत की परंपरागत जो विरासत थी, सांस्कृतिक विरासतें थी देश के विभिन्न भागों में, चाहे वो अयोध्या में रही हो, चाहे वो बनारस में रही हो, चाहे वो माधवपुर में रही हो, चाहे कहीं पर भी है, उन्होंने भारत की परंपरागत लोगों की श्रद्धा के स्थलों को जो गरिमा प्रदान की है वो एक अनुपम कार्य हुआ है और मानो यह कार्य राष्ट्र को पुनः जोड़ने का काम है। गुजरात की ये पवित्र धरती जिसने महात्मा गांधी को जन्म दिया, जिसने लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई जैसे महान नेता को जन्म दिया, जिसने महान समाज सुधारक टंकारा के मोरवी में स्वामी दयानंद सरस्वती को जन्म दिया, ऐसी ये भारत की पवित्र धरा गुजरात, और आज इसी धरा के सुपुत्र श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने समस्त विश्व में भारत के गौरव और गरिमा को बढ़ाने का इतना बड़ा कार्य किया है कि आज भारत का नागरिक
दुनिया के जिस कोने पर जाता है तो उसका सम्मान होता है। इस देश का चहुमुखी विकास करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जबरदस्त कार्यक्रम उनके द्वारा चलाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत ये माधवपुर गांव, इस माधवपुर गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने हजारों साल पुरानी अपनी इस विरासत को, जिस गांव में भगवान कृष्ण और रुक्मणी का पवित्र विवाह का संबंध हुआ, उस परंपरा को हजारों वर्ष से जिंदा रखा। आज मैं प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अब इस मेले को एक गांव का और क्षेत्र का मेला नहीं छोड़ा, अपितु अब ये अंतर्राष्ट्रीय मेले के रूप में आज बन गया है। आज सारा देश इससे जुड़ चुका है। आज हमारे लिए गर्व की बात है, यहाँ पर मुख्यमंत्री सिक्किम हमारे बीच में है, मुख्यमंत्री मेघालय हमारे बीच में है, त्रिपुरा से प्रतिमा भौमिक हमारी बहन हमारे बीच में है और आने वाले इन 4-3 दिनों में और भी पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्री, बड़े नेता लोग पधारने वाले हैं। मानो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भाई और बहनों अरुणाचल प्रदेश, अरुण सूर्य को बोलते हैं, अरुण की पहली किरण भारत में पड़ती तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है और अब ये अरुण अस्ताचल की ओर जा रहा तो गुजरात की धरती पे है। तो मानो पूर्व से पश्चिम इस पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम आज ये हमारा माधवपुर का मेला करने जा रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और भाई और बहनों, आज भगवान राम का जन्मदिन है और आज के दिन भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है। आइए, दो महापुरुष, दो महान दिव्यात्माएं जो भारत की संस्कृति के मूल स्तंभ हैं, अभी आज आदरणीय राष्ट्रपति जी महोदय के साथ हम आपस में वार्ता कर रहे थे। राष्ट्रपति जी बोल रहे थे कि यदि भारत से इन दो आत्माओं को, एक तरफ भगवान राम हैं, दूसरी तरफ भगवान कृष्ण हैं, यदि भारत में इनको हटा दिया जाए तो भारत भारत नहीं रहता। भारत की असली संस्कृति, भारत की असली विरासत, भारत के जीवन मूल्य इन दोनों महापुरुषों के चारों तरफ घूमते हैं। त्रेता में भगवान राम ने एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम के राम में प्रस्तुत किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बताया कि एक बेटा कैसा हो, माँ कैसी हो, पिता कैसा हो, पुत्र कैसा हो, पत्नी कैसी हो, गृहस्थ जीवन को आदर्श और स्वर्ग धाम कैसे बना सकते हैं। यदि ये सीखना है तो ये भगवान राम से सीखना है। उन्होंने समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए धर्म की स्थापना करके भारत की आने वाली नहीं, विश्व की आने वाली पीढ़ियों को जीवन दर्शन देने का काम किया। भाई और बहनों, उसी रूप में द्वापर में भगवान कृष्ण ने बाल्यावस्था से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक इसी धरती के महापुरुष टंकारा में पैदा हुए आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती भगवान कृष्ण के बारे में लिखते हैं कि महाभारत में कृष्ण का जीवन आप्त पुरुषों जैसा था। भगवान कृष्ण ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक भी पाप रूप कर्म नहीं किया, इतना ऊंचा जीवन चरित्र उनका था। भाई और बहनों, आप रामायण को पढ़ करके देखें, जब रुक्मणी और भगवान कृष्ण का विवाह इस माधवपुर में होता है, उसके बाद गृहस्थ के आदर्श का पालन करते हुए
पति पत्नी विचार करते हैं कि हमने राष्ट्र को एक उत्तम संतति देनी है, उसके लिए मां भारत में लिखा है, भगवान कृष्ण ने, रुक्मणी ने 12 वर्ष तक एकांतवास में घोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न इतना वीर था, शक्तिशाली था, कृष्ण से उसका रूप आपस में इतना मिलता था कि हमारी संस्कृति में पत्नियां अपने पति का जब घर में आते हैं तो उठ के स्वागत करती हैं। मां भारत में लिखा है रुक्मणी को कई बार संदेह हो जाता था, भगवान कृष्ण जब घर में प्रवेश करते थे तो रुक्मणी बैठी रह जाती थी और प्रद्युम्न आता था तो कई बार रुक्मणी खड़ी हो जाती थी। उसको ये नहीं पता होता था कि कृष्ण कौन है और प्रद्युम्न कौन है। इतनी एक रूपता, इतना स्वरूप उनका मिलता था, ये उनके पवित्र संस्कारों का एक विवरण मां भारत में किया है। भगवान कृष्ण, पूरा भारत देश आप किसी कोने पर चले जाएं, भगवान राम देश के किसी कोने पर चले जाएं, इस देश के एक एक बालक में, एक एक माँ बहन में, एक एक बूढ़े बालक में उनके मानस पटल पर वो छाए हुए हैं। उनका संस्कार, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति आस्था सबके अंदर व्याप्त है, क्योंकि वो हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमारी आत्मा को बुलंदियों पर ले जाने वाले हैं, वो हमारी भौतिक सामाजिक राष्ट्रीय मर्यादाओं के साथ उन्होंने आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। ऐसे दिव्य भगवान कृष्ण का यहाँ मेला, जो लंबे हजारों वर्षों से इस माधवपुर के लोगों ने जिस विरासत को संभाल करके रखा है, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने, यहाँ की सरकार ने, आज आदरणीय देश के प्रथम नागरिक और हम सब के प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी के सौजन्य से आज इस अंतरराष्ट्रीय मेले का विधिवत उद्घाटन हो रहा है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है और ये मेला आने वाली पीढ़ियों के लिए कृष्ण के जीवन दर्शन को प्रेरित करता रहेगा, भगवान राम के जीवन से प्रेरित करता रहेगा। ये दोनों महापुरुष, दोनों हमारे लिए भगवान स्वरूप व्यक्तित्व जो भारत की आत्मा में बसे हैं, भारत की एकता अखंडता आज इस रूप में दर्शन हो रही है। आज पूर्वोत्तर के हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, हमारी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर हैं, अनेक कलाकार यहाँ पर आए हैं, मानो आज पूरा भारत एकता के सूत्र में, एक भारत श्रेष्ठ भारत अखंड भारत, उसका ये रूप मेला बन करके हम सबको एकता के सूत्र में बांधने का काम करेगा। जो काम एक समय पर हमारे शंकराचार्य जी ने किया था, चार धाम बनाए थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये इसीलिए थे कि देश का व्यक्ति आपस में एक दूसरी जगह जाए, एक दूसरे को समझे, उनके पारिवारिक रिश्ते जुड़ें, उनके खान पान को समझें, उनके वेशभूषा को समझें, उनकी भाषा बोली को समझें, और इसी का नाम भारतीय संस्कृति में क्या कहा, अयम निजह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुव दैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये बहुत छोटे लोगों की सोच है। भारत के लोगों की सोच भगवान राम ने जो पैदा की थी, भगवान कृष्ण ने जो पैदा की थी, वो की थी वसुव दैव कुटुंबकम, सारा विश्व तुम्हारा है, तुम दुनिया के हो, दुनिया तुम्हारी है। ये चिंतन भारतीय संस्कृति वैदिक मान्यता और परंपराओं की है। आज इस परंपरा का सूत्रपात विधिवत माधवपुर की इस पवित्र धरा पर हो रहा है, इसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद।
महामहिम राज्यपाल श्री, आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक इस विशेष अवसर पर खास पधारे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी को इस सुअवसर पर प्रासंगिक उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माधवपुर गेड़ मेला 2022 के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ उपस्थित गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, लेडी गवर्नर श्रीमती दर्शना देवी जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक जी, गुजरात सरकार में राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी और श्री अरविंद रयानी जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, जय श्री कृष्ण। केम छो? तमे बधा मजा मां हसो? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को आज रामनवमी के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रामचरितमानस में ये उल्लेख आता है कि आज के दिन प्रभु श्री राम के जन्म से आनंदित होकर उनके पिता राजा दशरथ ने कहा था कि जिनका नाम सुन लेने मात्र से ही मानव का कल्याण हो जाता है, वही प्रभु बालक के रूप में मैं आज मेरे घर आए। इसी बात को आगे चलकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने शब्दों में इस प्रकार लिखा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक भारत में राम राज्य की स्थापना का सपना देखा था। बापू के जन्म स्थान पोरबंदर के निकट आज जहां हम बैठे हुए हैं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जीवन लीला से जुड़े माधोपुर घेड़ गांव में आयोजित इस मेले का शुभारंभ करना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सन 2018 से गुजरात सरकार द्वारा केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि आज माधवपुर के अलावा गुजरात के लगभग 20 मंदिरों में इसी प्रकार का उत्सव आयोजित किया गया। यह भी प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष और बड़े पैमाने पर मेले के आयोजन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने भी सहयोग किया है। आज के दिन पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में कई सांस्कृतिक समारोह भी आयोजित किए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा में इस मेले की एक विशेष पहचान रहेगी। इन आयोजनों के लिए मैं केंद्र सरकार तथा राज्यों के सभी संबंधित मंत्रियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को साधुवाद देता हूं। भाइयों और बहनों, मेलों, त्योहारों और तीर्थ स्थलों ने हमारे विशाल देश को प्राचीन काल से आज तक सामाजिक व सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा है। माधवपुर का यह मेला गुजरात और पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक अभिन्न संबंध से जोड़ता है। वर्तमान में ऐसे आयोजनों के माध्यम से हमारे समाज को, विशेषकर युवा पीढ़ी को, हमारी विरासत, संस्कृति, कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों के बारे में जीवंत परिचय मिलता है तथा पर्यटन का भी विकास होता है। देवी और सज्जनों, कल मैंने एकता नगर केवड़िया में न्यायपालिका से जुड़े वरिष्ठ लोगों के साथ विचार विमर्श किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ने गुजरात के उस क्षेत्र को एक राष्ट्रीय तीर्थ बना दिया है। सरदार पटेल के कार्यों तथा जीवन मूल्यों के बारे में जानकर प्रत्येक भारतवासी को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने की प्रेरणा मिलती है। बापू और सरदार पटेल की इस धरती का विशेष आकर्षण मुझे सदैव अपनी ओर खींचता रहा है।
1970 के दशक में जब मैं मुरारजी भाई का निजी सचिव था, तब से मेरा गुजरात आना शुरू हुआ और ये सिलसिला आज भी चल रहा है। राष्ट्रपति के रूप में भी मैं इससे पहले गुजरात की लगभग 12 यात्राएं कर चुका हूं और प्रत्येक यात्रा ने मुझे कुछ न कुछ नए और अविस्मरणीय अनुभवों से समृद्ध किया है। गुजरात के लोगों की आत्मीयता और स्नेह की अमिट छाप मेरे मानस पटल पर सदैव अंकित रहती है। ईश्वर की कृपा से आज मुझे द्वारका धाम का दर्शन करने तथा बांके बिहारी श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के दैवी मिलाप से जुड़े इस मेले का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे यह बताया गया है कि आज माधवपुर के लोगों ने प्रभात फेरी में हिस्सा लिया और अगले 2 दिनों के दौरान वे माधव राय जी के मंदिर से ब्रह्म कुंड तक जाने वाली फुलेकू में बारातियों के रूप में शामिल होंगे। मुझे बताया गया कि यहाँ मुरलीधर श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह से जुड़े समारोहों का शुभारंभ रामनवमी के दिन किया जाता है। द्वादशी के दिन विवाह संपन्न होता है और त्रयोदशी के दिन विदाई होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव को मुरलीधर श्री कृष्ण के विवाहोत्सव से जोड़ने के पीछे देशवासियों की वह सामूहिक चेतना है जो सृष्टि चलाने वाले विष्णु जी के दोनों अवतारों को मूलतः एक ही परमात्मा के दो रूपों को एक ही तरह देखती है। त्रेता युग की, जैसा कि हमारे राज्यपाल महोदय ने उल्लेख किया, त्रेता युग की आवश्यकताओं के अनुसार धनुर्धारी रामचंद्र जी मर्यादा, त्याग और तपस्या का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात द्वापर के अपेक्षाकृत जटिल युग में गोवर्धन गिरधारी श्री कृष्ण अपनी ईश्वरीय लीलाओं और अनेक कलाओं से जन मन को आश्वस्त करते हुए महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं तथा धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार सृष्टि के पालनहार विष्णु जी के दोनों रूपों की एकता का यह मेला एकत्व के साथ साथ समय की चुनौती के अनुसार पुरुषार्थ करने का संदेश भी देता है। देवियों और सज्जनों, भारत की सांस्कृतिक एकता कितनी प्राचीन है और हमारी सामाजिक समरसता की जड़ें कितनी गहरी थी, इसका उदाहरण लीलाधर श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह के आख्यान में दिखाई देता है। आज के उत्तर प्रदेश में जन्मे श्री कृष्ण गुजरात को अपनी कर्मस्थली बनाते हैं और आज के पूर्वोत्तर क्षेत्र की एक राजकुमारी रुक्मिणी जी को जीवन संगनी बनाते हैं। लोक मान्यता के अनुसार माधवपुर खेड़ गांव की यह धरती उन दोनों के मिलाप की साक्षी रही है। मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि गुजरात के उद्यमशील लोग परंपरा और आधुनिकता में तालमेल बैठाकर आगे बढ़ते रहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करके नीति आयोग ने वर्ष 2020 और 21 के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात ने हर आयु वर्ग के लोगों को स्वास्थ्यपूर्ण जीवन की सुविधा प्रदान करने के पैमाने पर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के समावेशी विकास के मानक पर भी सभी राज्यों की तुलना में गुजरात का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। ऐसी उपलब्धियों के लिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात सरकार की पूरी टीम तथा राज्य के सभी निवासियों को मैं इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ। इस मेले का आयोजन तथा साथ ही गुजरात के अनेक मंदिरों और पूर्वोत्तर भारत के अनेक स्थानों में इस अवसर पर विभिन्न समारोहों का आयोजन भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एकता का महोत्सव है। मुझे प्रसन्नता है कि पूरे देश के लोगों को भावनात्मक स्तर पर जोड़ने का यह उत्सव आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही मनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि गुजरात में ही 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ हुआ था। यह महोत्सव मूलतः राष्ट्र गौरव की भावना को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। माधवपुर खेड़ मेला से जुड़े सभी उत्सव भी भारत की एकता और श्रेष्ठता को रेखांकित करते हैं। आज से 25 वर्ष बाद हमारे देशवासी भारत की आज़ादी की शताब्दी का उत्सव मनाएंगे। मैं आज की युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूं
कि देश की एकता और श्रेष्ठता को मजबूत बनाते हुए सन 2047 के स्वर्णिम भारत के निर्माण का संकल्प लें और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाएं। धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात। जय हिंद। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपके उत्साहपूर्ण संबोधन और आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब मैं समस्त सभागण को राष्ट्रगान के लिए खड़े होने के लिए विनंती करती हूँ। प्लीज स्टैंड अप फॉर नेशनल एंथम। अब मैं मंचस्थ विराजमान सभी गणमान्य महानुभावों से विनती करूंगी कि वे मंच से नीचे उतरकर अपना स्थान सभागण में ग्रहण करें।